नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों ये बहुत ही बहुत क्वालिटी वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ इन्वेस्टर और ट्रेडर रुपया छाप रहे हैं, वैसे स्टॉक जिसमें इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों जो है पूरी तरह से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, रुपया को छाप रहे हैं, तो वैसे ही स्टॉक। इसमें हम आपको 12 स्टॉक्स बताएंगे जो कि 300-400% का रिटर्न दिया है इस मात्र 3 से 4 महीने में। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स को आपको भी ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम ये 12 स्टॉक्स बता रहे हैं इसी में इन्वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे स्टॉक ही आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हैं और या किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके हम लेवल्स और टारगेट भी इंडिविजुअल वीडियो में बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसमें कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट करना आपको पसंद है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा, स्टॉक मार्केट का नंबर 1 स्टॉक जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 स्टॉक्स वो है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों इसमें भी इन्वेस्टर ने काफ़ी रुपया बनाया है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है, आप यहाँ से पैंडमिक से देखिए जब इसमें गिरावट आया था तो यहाँ से आप रिटर्न देखेंगे तो इतना बेहतरीन रिटर्न देखते हैं, 148% तक का ये रिटर्न दिया। वहाँ से थोड़ा सा गिरावट आया तो अभी भी ये 136% का रिटर्न दे रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इसमें इन्वेस्ट किए थे वो अभी लगातार प्रॉफिट बुक करें क्योंकि अभी रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो दोस्तों ये था सबसे बेहतरीन स्टॉक जिसमें, मतलब ये एक ब्लू चिप स्टॉक और स्टॉक मार्केट का नंबर 1 स्टॉक जिसमें इन्वेस्टर ने 150% तक का रिटर्न बनाया। तो ये पहला स्टॉक था जिसके बारे में हर कोई जानता है और सबसे भरोसेमंद स्टॉक। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है हमारा वो है इप्कालेम। आज भी देख सकते हैं ये 7% अप है। आप एक दिन में देखिए, दो दिन में देखिए, पाँच दिन में देखिए, जब देखिएगा ये स्टॉक्स आपको रिटर्न देता हुआ, 5 डेज में 7% का रिटर्न, 1 डे में भी 7, 5 डे में भी 7, 1 मंथ में देखिएगा तो भी आपको 14% का रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में देख लीजिए तो भी पॉजिटिव रिटर्न 54% का, ईयर टिल डेट में देख लीजिए तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखिए 65% का रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिए 94% का रिटर्न। तो देखते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। तो ये सारी स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी लोगों ने रुपया बनाया है। तो ये तो आपने देखा अभी 100%, 150%। अब हम आपको आगे दिखाते हैं जो 400%, 300% तक का रिटर्न दिया है एक साल में, या कहें जो पैंडमिक आया था वहाँ से। तो पहला देखिए लुडूज लेव, ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, 1 डे में देखिएगा तो 19% का रिटर्न, 20 के अप्रॉक्स कहिए, एक दिन में 20% का रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो आप देख करके अचंभित रह जाइएगा, 78% का रिटर्न 1 मंथ में, 1 महीना में। ये कोई पैनी स्टॉक्स नहीं है, आप देखते हैं कोई पैनी स्टॉक्स नहीं कि ये 100% का रिटर्न दिया 1 मंथ में, तो बहुत है वो पैनी स्टॉक देता है कोई कोई। यहाँ पर एक लार्ज कैप कंपनी आपको दे रहा है 78% का रिटर्न 1 मंथ में। 6 मंथ में देखते हैं तो जहाँ से यहाँ गिरावट आया था वहाँ से आप देखिए तो 194% का रिटर्न 6 मंथ में, जो गिरावट आया था वहाँ से। 1 ईयर में देखिएगा तो और भी बेहतरीन रिटर्न, 1 ईयर में देख लीजिए तो 1 ईयर में 183% का रिटर्न। तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें जो इन्वेस्टर है वो रुपया बना रहा है, मतलब एक तरह से रुपया छाप रहा है इन सारे स्टॉक्स में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है वो अगले एक से दो साल तक परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है आयल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, देखते हैं ये भी बेहतरीन स्टॉक्स, आज 4.61% अप है। आप देख लीजिए कभी भी गिरावट आपको देखने मिलेगा ही, इसमें जो गिरावट आया वहाँ से देखिए तो 411% आप देख लीजिए, 411% आपको स्टॉक को 5 साल 10 साल होल्ड करना पड़ता है। यहाँ आपको मात्र मार्च से लेकर के जुलाई तक में आपको 411% का रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ये है बेहतरीन स्टॉक जो आपको इस पैंडमिक में भी काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगला है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स ये भी देख लीजिए, आज एक दिन में आपको दे रहा 1.60% का रिटर्न, 5 डेज में देखिएगा तो भी आपको ये 5 डेज में देख लीजिए, 5 डेज में भी आपको 4.53% का रिटर्न, 6 डे में देख लीजिए चाहे 1 मंथ में देख लीजिए, 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देख लीजिएगा आरती ड्रग्स का 30
35.95%, मतलब 36% के अप्रोक्स रिटर्न। सिक्स मंथ में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 195% का रिटर्न। अगर पैंडमिक जो आया था वहां से देखिएगा तो वहां से भी बेहतर रिटर्न, 272% का रिटर्न, 272% का रिटर्न दिया है। पैंडमिक हमारा था, पैंडमिक सिचुएशन वहाँ का जो गिरावट था, वहाँ के गिरावट से अभी तक में 272% का रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। उसके बाद अब जो एक स्टॉक है जिसको मैंने कल भी आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि ये स्टॉक्स है जो कि अपने इन्वेस्टर को 5 साल में करोड़पति बनाया है, ये स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स का अगर आप रिटर्न देखेगा तो चौंक जाइएगा। ये स्टॉक्स इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है, इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है जितना आपको कोई स्टॉक्स मार्केट में देता हुआ पिछले 5 साल में नहीं मिलेगा। देख लीजिए 6,161%, मतलब अगर 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए रहते इसमें तो अभी आपका रिटर्न होता 1,20,00,000, 1,20,00,000। तो ऐसे ऐसे स्टॉक है जो आपके कुछ ही 1,000 रुपये से आपको एक जो है करोड़पति बना सकता है। तो वो पावर है स्टॉक मार्केट में। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है और हर रोज़ एक नया हाई बना रहा है। अगर 5 डेज में देखिएगा तो 5 डेज का रिटर्न देख करके आप चौंक जाइएगा, 21% का रिटर्न। हमें साल भर होल्ड करते हैं स्टॉक को तब जा करके 21% का रिटर्न मिलता है। 1 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन, 113% का रिटर्न 1 मंथ में, मतलब 1 महीने में ही आपके रुपया को डबल से ज़्यादा कर दिया। उसके बाद अगला स्टॉक से हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है। जो चाइना के साथ हमारा टेंशन है, चाइना बायकॉट चाइना हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों को बेनिफिट करेगा। तो उसी में है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आप जियो का भी जो दो बॉक्स देखते हैं, जियो का बॉक्स भी यही कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी, अगर आप इसका 1 साल में रिटर्न देखिएगा तो 1 साल के रिटर्न को आप देख करके चौंक जाइएगा। देख लीजिए 295%, मतलब आपका 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट बन गया 4,00,000 रुपया डिक्सन टेक्नोलॉजी में। अगर कोई 1,00,000 रुपीज 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अभी अप्रॉक्स 4,00,000 रुपया वो हो चुका है, क्योंकि 3,00,000 रुपया तो आपको रिटर्न में मिल रहा है। अगर आप अभी प्रॉफिट बुक करते हैं, 1,00,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 3,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो हो गया 4,00,000 रुपीज़। उसके बाद अगला है हमारा ग्रेनलुच इंडिया, ये भी देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इन सब स्टॉक में पैंडमिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा गिरावट आया फिर वही तेजी जो पहले था। ये देखिएगा तो ये कुल 231% का रिटर्न दिया, थोड़ा सा इसमें अभी कुछ दिन गिरावट हुआ 2-3, तब पर भी ये 198% का रिटर्न दे रहा 1 साल में। अगर यहाँ पैंडमिक से बात करें तो पैंडमिक से कितना रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, 159% का रिटर्न, और गिरावट के बाद भी 133% का रिटर्न अभी भी दे रहा है ये स्टॉक्स। मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको कई बार बताया है ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। ये आपको जैसे करेक्शन इसमें देख सकते हैं आ रहा है, तो जैसे ये आपको 200 या उससे नीचे मिलता है तो ज़रूर आप इन्वेस्ट करें ऐसे ऐसे स्टॉक। और अपना फंडामेंटल रिसर्च ज़रूर कर लें कि कंपनी जो होनी चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, और रिजल्ट अभी आ रहा है, रिजल्ट को देखें क्या कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो कई सारे हमने आपको स्टॉक बताए जो स्मॉल कैप मिड कैप था, साथ साथ रिलायंस जैसे सबसे बड़े स्टॉक्स भी बताया। उसमें साथ साथ एक और ब्लू चिप कंपनी हमारी आती है इंफोसिस, मतलब ये सब कंपनियों भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये 200% 300% 400% तो नहीं दिया, लेकिन आपको 100% रिटर्न ये अवश्य दिया है, 100% के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है। देखते हैं 100% के अप्रॉक्स 83% का रिटर्न इंफोसिस में आपको मिला है। 83% एक तरह से कहिए 100% के अप्रॉक्स है रिटर्न, क्योंकि ये 500 तक आ चुका था। यहाँ पर चार्ट पे देखेगा तो आपको 526 दिखा रहा है, लेकिन ये 500 तक स्टॉक आया था। आप 500 रुपीज़ पर खरीद सकते थे, और वहाँ से अभी आप देखते हैं ये हाई बना चुका है 986 का। यहाँ पर देख लीजिए 986, आप बताइए आपका 100% रिटर्न में मात्र 14 रुपीज़ कम है, वो भी किसी दिन ये 1000 के प्राइस को टच कर देगा, किसी भी दिन 100% का रिटर्न मिला, जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचयूएल, तो ये सब स्टॉक्स काफ़ी सेफ माना जाता है, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया है इस पैंडमिक सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में। उसके बाद अगला है हमारा SCL टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। ये भी स्टॉक्स देखेंगे अगर आप देखें तो पैंडमिक में ये जो हमारा रिटर्न है गिरावट के बाद 75%,
75% का रिटर्न, 75% से भी ज़्यादा अगर चार्ट पे, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस 405 दिखा रहा है, लेकिन इससे भी नीचे गया था ये स्टॉक्स। अब वहाँ से आप देख सकते हैं ये जो अपना हाई बनाया 716 का, तो आपने जो यहाँ 75 देखा वो समझिए 80% रिटर्न आपको ऐसे कंपनियों में मिलती है, ब्लू चिप कंपनियों में और ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। आप जो इप्का लैब है, आयोएल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें थोड़ा सा आप हिचकेंगे भी, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है तो थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन इस सब कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करने में कोई डर नहीं है। जैसे गिरावट में मिलता है आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब कंपनियों में, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, तो हर चीज़ कंपनियों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। जैसे गिरावट आए आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको 1 मंथ 2 मंथ वेट करेंगे, जैसे मार्केट में रिकवरी आता है ये स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेंगे, जो हमारा TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, HUL हो गया, तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं। उसके बाद अगला है और एक ब्लू चिप कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है पैंडमिक के बाद। यहाँ पर देख लीजिए 72% का रिटर्न, 72% का रिटर्न, ये आप जो चार्ट पर देख रहे हैं उससे वास्तव में उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है इन सब कंपनियों ने। यहाँ पर देख लीजिए 2351 इसका लोवेस्ट प्राइस, और देख लीजिए 4560 इसका हाईएस्ट प्राइस, तो आप देख लीजिए लगभग अप्रॉक्स, यहाँ पर आप देख लीजिए अप्रॉक्स कितना है, 100% का रिटर्न है अप्रॉक्स में ये 100% का रिटर्न है, 90% के से ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा था, 100% के अप्रॉक्स रिटर्न है, तो ऐसे बेहतरीन रिटर्न मिलता है। तो अब की बार कभी भी मौका मिलेगा आपको गिरावट में तो तुरंत बाय कीजिएगा और उसको होल्ड कीजिए 1 मंथ 2 मंथ और वेट कीजिए मार्केट की रिकवरी का, बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो कहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर रुपया लगा रहे हैं वहीं आपको लगाना है और पूरी तरह से मतलब रुपया छापिए स्टॉक मार्केट से और ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे कंपनियों में कीजिए। उसके बाद आप अगर ये सब नाम में भी थोड़ा सा कम जाने हैं तो बजाज फाइनेंस तो हर कोई जानता है, इसमें भी देख लीजिए गिरावट में, लोग कहेगा फाइनेंस सेक्टर ये परफॉर्म नहीं करेगा वैसे नहीं करेगा, देख लीजिए 78% का रिटर्न, कोई पैंडमिक का असर ही नहीं इस कंपनियों पर, देख सकते 78% का रिटर्न दे रहा है, 78% रिटर्न के लिए आपको जो है किसी स्टॉक को कई सालों तक होल्ड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ही महीनों में 78% रिटर्न दिया, और वो भी वो स्टॉक्स जिस सेक्टर के बारे में बोला जाता है कि ये कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं करेगा, बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा ये सेक्टर, तो ऐसे ही स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं समझ सकते हैं जो फाइनेंस सेक्टर से है। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे कि कैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो खास करके याद रखिएगा जो अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो स्टॉक्स है, एग्रो केमिकल सेक्टर से जो स्टॉक्स है और जो स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स है मतलब मार्केट के लीडर स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।